नसरुल्लागंज वन परिक्षेत्र लाटकुई अंतर्गत बीट किशनपुर के कक्ष क्रमांक पीएफ 445 में लालमाटी वन क्षेत्र में नीलगाय का शिकार कर पलाश के पेड़ की आड़ में काटते वन अमले द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। वहीं करीब 14 लोग मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वही जानकारी देते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी सर्जन जाधव द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना के उपरांत तत्काल परिक्षेत्र सहायक पिपलानी, बीट गार्ड किशनपुर, बीट गार्ड सिराडी तथा सुरक्षा प्रतिनिधियों को साथ लेकर बीट किशनपुर के कक्ष क्रमांक पीएफ 445 में लाल माटी नामक स्थान पर वन क्षेत्र में पहुंचे और उक्त स्थान की वन अमले के द्वारा घेराबंदी की गई तो आरोपी पकड़े गए। व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना अपना नाम जगदीश आत्मज सुरभान जाति बारेला निवासी लालमाटी, सीला आत्मज बहरिया जाति बरेला निवासी घोघरा, रंगलाल आत्मज सुरभान जाति बारेला निवासी लालमाटी को वन्य प्राणी नीलगाय का शिकार करते हुए लिप्त पाए गए एवं अन्य करीब 14 आरोपियों की तलाश जारी है। सर, जिस प्रकार से कल एक नील गाय का शिकार किया है, कुछ लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए, क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? देखो, दिनांक 6 जनवरी को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई स्टाफ को, स्टाफ ने मुझे अवगत कराया। उसके बाद हमारा स्टाफ में परिषद सहायक पिपलानी, बीट गार्ड किशनपुर, बीट गार्ड घुटवानी, बीट गार्ड हमीदगंज, बीट गार्ड सिराड़ी और सारे सुरक्षा प्रतिनिधियों के साथ किशनपुर के पीएफ क्रमांक 445 में लाल माटी नामक एक जगह है, वहाँ पे सब पहुँचे और एरिया की घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद वन क्षेत्र में नाले के पास पलाश की झाड़ियों के बीच में कुछ लोग कुल्हाड़ी एवं हसियों से किसी जानवर को मारकर टुकड़े करते हुए नजर आए। वन अमले को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो भागने की कोशिश करने लगे। उसमें 3 आरोपी हम पकड़ में आ गए हैं, बाकी लोग भाग निकले हैं। जो 3 आरोपी पकड़ में आए हैं उनके नाम है जगदीश आत्मज सुरभान निवासी किशनपुर, शीला आत्मज बहारिया निवासी घोगरा, रंगलाल आत्मज सुरभान निवासी किशनपुर। जो वन्य प्राणी का शिकार हुआ है उसको हमने वेटनरी डॉक्टर से पीएम करवाया है और जो वन्य प्राणी है वो नील गाय है। आरोपी से पूछताछ करने के बाद उनके द्वारा कुछ अन्य लोगों के भी नाम बताए गए हैं, इनकी तलाश जारी है। संख्या अभी जांच का विषय है और इसमें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 41 और 50 में हमने POR जारी किया है। POR नंबर 241/08 दर्ज किया है। अनुमानित कितने लोग होंगे सर? अनुमानित अभी इन लोगों के बयान लेंगे, अनुमानित 14 से 15 लोगों के नाम हैं। इनके बयान लेने पे और पता चलेगा जांच में कितने लोग हैं। ठीक सर।